好的。क्या हुआ? आप गए थे ना? क्या हुआ? मिला इरशाद? क्या कह रहा था? बताए ना, चुप क्यों है? प्लीज जल्दी से बता दे, बोले ना, बता क्यों नहीं रहे? प्लीज, मुझे टेंशन हो रही है, बता दें अब जल्दी से। क्या हुआ? हमें सब खामोश क्यों हैं? प्लीज प्लीज कुछ बोले। उसके घर पे ताले लगे हैं। मोहल्ले वाले मिले थे, कह रहे थे उसने अपना घर और दुकानें पिछले महीने बेच दी। बिजनेस में नुकसान हुआ उसका, बहुत पैसे उठाए हुए थे उसने मार्केट से, घर और दुकानें बेच के पता नहीं कहां चला गया। कोई कह रहा है दुबई भाग गया, कोई चाइना, जापान, पता नहीं। बोले वाले ये कह रहे थे कि बीवी बच्चों को भी लेके चला गया और अब के कभी वापस नहीं आएगा। सब मेरे लालच और हवस की वजह से वो मेरा सारा जेवर चला गया, सब चला गया, मैं खाली आ जाएगी, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। सबर करो बेटा, सूद के चंद लाखों के बस तुम लोगों ने अपनी हलाल और पाकीज़ा कमाई कमा दी। कितना समझाया था ना, अल्लाह की राह को बिना सोचे समझे पार करोगे तो नुकसान उठाओगे। जब अल्लाह ने सूद को हराम करार दे दिया है तो फिर इसमें नफा कैसे हो सकता है? मैं तो अपने लायक नहीं, हम दुनियावी लालचों और साइशों में आकर सब कुछ भूल जाते हैं और अल्लाह को नाराज कर देते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हमें उसके अजाब से भी गुजरना होगा। यकीनन अब तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सूद में फला नहीं है, दुनिया और आखरत में खसारा ही खसारा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, आपने हमेशा बिल्कुल ठीक कहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ, ना मैं सूद लेती ना ये सब कुछ होता, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला भी कहते। अल्लाह से दुआ लगाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा।